हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंदा पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 73 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं लघु पंचमूल के विषय में। यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या है लघु पंचमूल का वर्णन किया। लघु पंचमूल को क्या बोला उन्होंने, वात पित्त नाशक बोला है, ठीक, सॉरी, वात पित्त शामक बोला है। ठीक है, तो वात पित्त शामक होता है आपका क्या है, लघु पंचमूल। और लघु पंचमूल के जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, तो बृहती हो गया, कंटकारी हो गया, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी और गोक्षुर, ये क्या है लघु पंचमूल के द्रव्य हैं। तो आपको पता ही होगा क्या है, बृहती, कंटकारी, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी और गोक्षुर, ये क्या है लघु पंचमूल के द्रव्य हैं। इसको क्या है मेली वात पित्त शामक आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोले हैं। फिर वृहत पंचमूल के विषय हम बात करते हैं, तो वृहत पंचमूल के अंतर्गत जो द्रव्य हैं, ठीक है, जो वृहत पंचमूल के जो द्रव्य हैं वो मेनली क्या करते हैं, वात कफ का शमन करते हैं। ठीक है, तो वात और कफ का शमन करने वाले होते हैं वृहत पंचमूल के द्रव्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो बिल्व, अग्निमंद, ठीक है, शोनाक, पाटला, गंभारी, ये क्या है आपके वृहत पंचमूल के द्रव्य हैं। ठीक है, तो बिल्व, अग्निमंद, शोनाक, कासमर्य, पाटला और आपका गंभारी, ये क्या है आपका जो है वृहत पंचमूल के द्रव्य हैं। टोटल पंचमूल यानी कि पांच चीजें हैं, इस वजह से पंचमूल है। ठीक है, लघु पंचमूल, वृहत पंचमूल। लघु पंचमूल क्या कर रहा है, वात पित्त का शमन कर रहा है, और वृहत पंचमूल जो है वात कफ का शमन कर रहा है। ठीक है, तो दशमूल क्या करेगा, त्रिदोष का शमन करेगा। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। फिर बात करते हैं वल्ली पंचमूल। तो वल्ली पंचमूल जो हो उसके अंतर्गत मेल्ली, विदारी, सारिवा, रजनी, अजाश्रृंगी, गुडुचि, ये मिल जाते हैं। ठीक है, पंचमूल कौन से हैं, तो विदारी, सारिवा, रजनी, अजाश्रृंगी, गुडुचि, ये क्या है वल्ली पंचमूल कहलाते हैं। और ये मेनली क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं। ठीक है, कफ शामक होते हैं, तो वल्ली पंचमूल के जो द्रव्य होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, कफ का शमन करने का काम करते हैं, कफ शामक होते हैं। विदारी, सारिवा, रजनी, अजाश्रृंगी और गुडुचि, ये क्या है आपके वल्ली पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं कंटक पंचमूल। तो कंटक पंचमूल के अंतर्गत गोक्षुर, करमर्द, हिंसा, सैरियक, सतावरी, ठीक है, ये मेनली क्या है आपके कंटक पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। तो गोक्षुर, करमर्द, हिंसा, सैरियक, सतावरी, ये क्या है कंटक पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या करते हैं, कफ का शमन करने वाले होते हैं, कफ शामक होते हैं। तो कंटक पंचमूल क्या होते हैं, कफ शामक होते हैं। इसके अंतर्गत गोक्षुर, करमर्द, हिंसा, सैरियक, सतावरी आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो तृण पंचमूल के विषय में बात करते हैं। तो तृण पंचमूल के अंतर्गत क्या आते हैं, तो कूश, काश, नल, दर्भ, कांडिक्षु, ये क्या है आपके तृण पंचमूल कहलाते हैं। तो कूश, काश, नल, दर्भ, कांडिक्षु, ये क्या है आपके तृण पंचमूल है। और ये मेनली क्या करते हैं, पित्त शामक होते हैं। ठीक है, तृण पंचमूल क्या होते हैं, पित्त शामक होते हैं। तो कूश, काश, नल, दर्भ, कांडिक्षु, ये क्या है आपके तृण पंचमूल है, और ये क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। इसी प्रकार मध्यम पंचमूल के विषय में बात करें, तो मध्यम पंचमूल के अंतर्गत बला, एरंड, पुनर्नवा, मुग्धपर्णी और मांसपर्णी आते हैं। तो मध्यम पंचमूल के अंतर्गत बला, एरंड, पुनर्नवा, मुग्धपर्णी और मांसपर्णी आते हैं, और यह मेनली वात कफर होते हैं। तो मध्यम पंचमूल क्या होता है, वात कफर होते हैं। इसके अंतर्गत बला, एरंड, पुनर्नवा, मुग्धपर्णी और मांसपर्णी आते हैं। ये क्या है मध्यम पंचमूल के विषय में बताया गया है कि मेनली वात कफर होते हैं। इसका वर्णन किसने किया है, तो अष्टांग हृदय ने किया है। मध्यम पंचमूल का वर्णन किसने किया है, अष्टांग हृदय ने किया है। अभी तक तृण पंचमूल, लघु पंचमूल, वृहत पंचमूल, ठीक है, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, ये सब देख रहे थे। इसका वर्णन सुश्रुत ने किया था। तृण पंचमूल का जो वर्णन है वो किसने किया है, सॉरी, मध्यम पंचमूल का जो वर्णन है वो किसने किया, अष्टांग हृदय ने किया है, ठीक है, वांग भट्टी ने। और ये मेनली वात कफर होते हैं, ये बताया है। और मध्यम पंचमूल में क्या आता है, बल, एरण, पुरनव, मुग्धपर्णी और मांसपर्णी। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जीवनी पंचमूल के विषय में बताया गया। तो जीवनी पंचमूल जो होता है वो मेनली वात पित्त शामक होता है। जीवनी पंचमूल क्या होता है, वात पित्त शामक होता है। अष्टांग हृदय ने मेनली इसका वर्णन किया है। इसके अंतर्गत अभिरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक आते हैं। ठीक है, अभिरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक, ये क्या है जीवनी पंचमूल के अंतर्गत आता है। और यह मेनली वात पित्त शमक होते हैं। क्या, वात पित्त शमक होते हैं जीवनी पंचमूल। फिर आहार द्रव्य के वर्ग, इसके अलावा हिततम, कौन से हितकर हैं और कौन से को है अहितकम है, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। तो आहार द्रव्य कौन से, तो शुक धान्य। शुक धान्य में आपका जो हितकर है वो क्या है, शाली धान्य है, ठीक है। और अहितकर कौन से है, यव है, ठीक है। शुक्ध धान्य में जो यव है वो हितकर अहितम बताया गया है, और हितकर जो रक्तशाली है, ठीक है, रक्तशाली, उसे मेनली जो है आपका शुक्ध धान्य में हितम बताया गया है। समी धान्य के विषय में बात करें तो जो मुग्ध होता है, ठीक है, उसे हितम बोला गया है, और जो अहितकर होता है वो आपका मांस होता है, ठीक है। तो समी धान्य में आपका मुग्ध जो होता है वो हिततम बताया गया, और अहितम के अंतर्गत मांस को बताया गया है।
जल के विषय में बात करें तो अंतरिक्ष जो जल होते हैं वो क्या है, हीततम होते हैं। अंतरिक्ष जल क्या होता है, हीततम होते हैं, जबकि अहीततम के अंतर्गत वर्षा ऋतु में नदी का जो जल होता है वो क्या है, अहीततम होता है। ठीक है, तो जल में आपका अंतरिक्ष जो जल होता है वो हीततम होता है, अहीततम के अंतर्गत वर्षा ऋतु में नदी का जल आता है। लवण के विषय में बात करें तो जो सैंधव लवण होता है वो हीततम होता है। लवण में क्या है, सैंधव लवण जो होता है वो हीततम होता है, अहीततम में औषर जो आपका जल होता है, ठीक है, वो आपका सॉरी औषर जो होता है, ठीक है, वो आपका अहिततम होता है। तो लवण का औषर जो टाइप होता है वो अहिततम होता है और सैंधव लवण जो होता है वो हीततम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पत्र में बताया गया, तो पत्र में पत्र शाक जो होता है, पत्र शाक में आपका जो जीवंती का जो शाक होता है वो हीततम होता है, और अहिततम के अंतर्गत सरसप को बताया गया। तो सरसप जो है अहिततम है पत्र शाक में, और आपका पत्र शाक में हीततम आपका जीवंती है। फिर मृग मृग मास के विषय में बात करते हैं, तो अरण्य का जो मास होता है वो हीततम होता है, और गोमय मास जो होता है वो अहिततम होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। पक्षी के विषय में बात करें तो जो लावक पक्षी होता है वो हीततम होता है, जबकि काण यानी कि कपोत जो होता है वो अहिततम होते हैं। विलेशय के विषय में बात करें तो इसमें आपका बोला गया है विलेशय में, ठीक है, तो इसमें आपका गोधा होता है, ठीक है, वो हीततम होते हैं, और मंडूक जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, अहिततम होते हैं। फिर जो आपका मत्स्य है उसके विषय में बात करें तो जो रोहित मत्स्य होता है, ठीक है, वो हीततम होते हैं, और जो चिलचिम जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, अहिततम होता है। तो रोहित मत्स्य हीततम और चिलचिम जो है अहिततम। फिर घृत के विषय में बात करें तो जो गो घृत होता है वो हीततम होता है, और मेषी जो घृत होता है, ठीक है, मेष जो घृत होता है वो क्या है, अहिततम होता है। फिर दूध के विषय में बात करें, जो दुग्ध होता है उसमें आपका जो गो दुग्ध होता है वो क्या है, हीततम होता है, और मेषी जो घृत होता है, मेषी जो दुग्ध होता है वो अहिततम होता है, घृत भी और दुग्ध भी दोनों अहिततम होते हैं। स्थावर स्नेह के विषय में बात करें तो जो तिल तेल होता है, ठीक है, स्नेह में जो तिल तेल है वो हीततम होते हैं, और आपका अहिततम में कुसुम्ब जो तेल होता है उसे क्या है, अहिततम बताया गया है। फिर अनुप मृग वशा के विषय में बात करें तो अनुप मृग वशा में वराह जो वसा होता है वो क्या है, हीततम होता है, माहिस जो वसा होता है वो अहिततम होता है। तो वराह वसा हीततम और माहिस जो वसा होता है वो अहिततम होते हैं, ये आपका बताया गया है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि मत्स्य वसा, तो मत्स्य वसा में आपका चुलुकी वसा जो होता है वो हीततम होता है, और कुंभीरी जो वसा होते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, अहिततम होते हैं। फिर बात करते हैं जलचर जो पक्षी का जो वसा है, तो जलचर जो पक्षी है उसके वसा के विषय में बात करें तो पाक हंस का जो वसा होता है वो हीततम होता है, जबकि काक जो आपका मद्गु वसा होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, अहिततम होते हैं। फिर विरिष्क या विरिष्कर जो आपके पक्षी हैं उसकी वसा के विषय में बात करें तो कुटकुट का जो वसा होता है वो हीततम होता है, जबकि चटक वसा होता है वो हीततम होते हैं। फिर शाखा मेधस के विषय में बात करें तो शाखा मेधस में आपका बोला गया है अंजन जो मेधस होता है वो हीततम होते हैं, और हस्ती मेधस जो होता है वो अहिततम होते हैं। कंद के विषय में बात करें तो जो आद्रक है, ठीक है, आद्रक जो है आचार्य सुश्रुत भाव प्रकाश ने क्या है, सूरन को बोले हैं जो हीततम होता है। कंद में आपका अदरक का जो होता है वो आपका मेले आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं कि हीततम होता है, और भाव प्रकाश ने सूरन जो आपका कंद होता है वो हीततम बताए हैं, जबकि अहिततम में आलूक का जो कंद होता है वो अहिततम बोला गया है। फल के विषय में बात करें तो जो मृद्विका का जो फल होता है वो हीततम होता है, और जो आपके सुश्रुत हैं उन्होंने आमलकी का जो फल होता है वो बताया है, ठीक है, जो हीततम होते हैं, ठीक है, और अहिततम में आपका क्या है, लकुच बताया है, लकुच का जो फल होता है वो अहिततम होते हैं। इच्छु विकार के विषय में बात करें तो इच्छु विकार में आपका जो शर्करा जो होता है वो हीततम होते हैं, जबकि जो फाणित होता है वो क्या होता है, आपका अहिततम होता है। तो इच्छु विकार में जो शर्करा जो होता है वो हीततम होता है, और फाणित जो होते हैं वो क्या होता है, आपका अहिततम होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मान के चलो मध्यम पंचमूल है, ठीक है, वो वात का फर होता है, ठीक है, और इसको किसने, वांग भट्ट ने बताया है, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपका MVKV, ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।